uncertainties. So मेरा faith बहुत switch होता है. कभी कभी मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं जायनमाज पे बैठ जाऊँ और बस रोते रहूँ, और कभी मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल existence of God को deny करूँ और लोगों को भी बताऊँ कि God exist नहीं करता. So like एक pendulum है, right? I will tell you कि मैंने किस तरह इस चीज़ को ज़रा बैलेंस किया है और उस एथिज्म pseudo एथिज्म को किस तरह एबॉलिश करने की कोशिश करता हूँ. सो जो गुड पार्ट है वो ये है कि कुछ अच्छी कुछ कुरान में आई थी जैसे सूरह फजर में है, जिसमें अल्लाह ताला उन सोल्स को जो कि सक्सेसफुल सोल्स हैं उनको बहुत खूबसूरती से बुलाते हैं. एंड अल्लाह से ओ यू सेटिस्फाइड सोल्स रिटर्न टू मी बिकॉज आई एम प्लीज विथ यू एंड यू आर प्लीज विथ मी, कि मतलब वो सेटिस्फाइड सोल तुम्हारा रब तुमसे राजी है और तुम भी मुझसे राजी हो. मतलब हम लोग सारे सेटिस्फेक्शन को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, राइट? सो जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला इज़ गिविंग यू दैट सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है. तो लाइक ये चीज़ें हैं, ये आयतें इनको पढ़ के यू आर लाइक के आपका हार्ट मेल्ट हो जाता है, यू आर लाइक के मैंने मुसलमान होना है, अच्छा मुसलमान होना है. लेकिन फिर कुछ आयतें हैं, कुछ वाक़ियात हैं जो कि कुछ चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, और वो ट्रिगर इस तरह करते हैं या सिर्फ वन फॉलोअर कुछ वो क्वेश्चन इस तरह के हैं कि प्रॉफिट एक यूनिकॉर्न पे बैठे और स्पीड ऑफ लाइट में उन्होंने 7 स्काइज को क्रॉस किया, देन ही मेट गॉड और वो वापस आए विद इन मिली सेकेंड. एंड यू आर लाइक मतलब ये क्या है, ये यू आर लाइक ये तो क्या फेरी टेल है, इस तरह नहीं हो सकता. सो इस वजह से फिर यू आर लाइक ये सब मजाक है, कुछ सब ठीक नहीं है, राइट? तो इस तरह से ही वो पेंडुलम हो रहा होता है. तो जब मैं इन चीज़ों पे सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार, ये फेथ नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इसी वजह से ये स्ट्रगल चलती आ रही थी. तो इस वजह से कभी नमाज पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना, कभी यू गेट इट राइट. तो फिर हुआ क्या, मैं बहुत ज़्यादा बचपन से हम लोग सारे सुनते हुए आ रहे हैं कि स्टीमन आम कुरान में एक आयत भी है कि मैंने अपने कॉमेंट को पिन करना है, मैं उसको किस तरह कर सकता हूँ. ओके मुझे नहीं पता. ओके सही है. सो हम कुरान में आयत सुनते हुए आ रहे हैं कि अकलमंद इंसानों के लिए निशानियाँ ही काफ़ी हैं. हमने इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा क्लूज को रखा हुआ है और जो समझदार इंसान है उन लोगों के लिए निशानियाँ ही काफ़ी हैं. सो इस वजह से तो अब ठीक है, अब यहाँ पे एक फिट सी चीज़ हुई थी कि चलो ठीक है, अकलमंद लोग कौन हैं. अब यहाँ से पूरी स्ट्रगल स्टार्ट होती है या यहाँ से वो एथियज़म ख़त्म होता है कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि अकलमंद लोगों के लिए निशानियाँ ही काफ़ी हैं. सो आई वाज लाइक कि अकलमंद कौन है, इसकी पहचान करनी चाहिए. अकलमंद मेरे टीचर नहीं, मतलब मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो नहीं है. अकलमंद मौलवी नहीं है, अकलमंद टीवी होस्ट शो नहीं है, अकलमंद रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट नहीं है, अकलमंद ये हेट स्पीच वाले नहीं है, अकलमंद वो नहीं है जो फेसबुक पे इतने बड़े पैराग्राफ रख रहे हैं, अकलमंद मैं नहीं हूँ जो कि चीज़ों को दो चीज़ों पे लेबल कर रहा होता है, जिसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पिक किया वो इस बकेट में, जिसने नहीं किया उस बकेट में. हम लोग अकलमंद नहीं है. तो उस अकलमंद बनने की पहचान मैंने ढूंढनी थी. अब वो ठीक है प्रॉफिट होंगे, लेकिन मैं प्रॉफिट को जानता नहीं हूँ, मतलब या मैं प्रॉफिट एक बिल्कुल आइडियल फिगर है, मैं उनको रीच नहीं कर सकता हूँ. लोग कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता. सो शुक्र है मुझे पहचान होगी कि अकलमंद इंसान कौन है. उसमें से एक ये बंदा था स्टीफन हॉकिंग. अकलमंद वो है ना जो अपने ब्रेन को यूज़ कर सके. तो इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और इसने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में, ऑल दैट स्टफ. सो ऑब्वियसली चलो इसको पढ़ता हूँ और इससे इसका दिमाग समझता हूँ कि इसको क्या पता है खुदा के बारे में, राइट? तो ये अपनी किताबों में टाइम के बारे में बहुत बताता है कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है. और उसने टाइम को 3 एरोज़ में डिवाइड किया कि टाइम के 3 एरोज़ हैं. एक टाइम का थर्मोडाइनमिक्स एरो है कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था बिग बैंग से तो पूरा यूनिवर्स लाइक एक ऑर्डर में था, एक बॉल था. फिर उसके बाद वो बॉल बर्स्ट हुआ तो बिखर गया, सोलर सिस्टम गैलेक्सीज बन गई. तो जिस तरह वक्त गुजर रहे डिसऑर्डर यूनिवर्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंट्रोपी इमिशन सिस्टम में इंक्रीज़ होती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट? तो टाइम का एक एंगल, टाइम का एक एरो थर्मोडाइनमिक्स का है जो कि बताते हैं कि हमेशा डिसऑर्डर इंक्रीज होता रहेगा. दूसरा एरो टाइम का ये साइकोलॉजिकल एरो बताते हैं कि हम हमेशा अपने पास्ट को फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को परसीव नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका पता नहीं है. तो वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है. और तीसरा एरो ऑफ टाइम इस कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम के वक्त के साथ साथ यूनिवर्स
एक्सपेंड कर रहे बिलून की तरह, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, राइट? सो दीज थ्री एरोज ऑफ टाइम. लेकिन उसने पूरी जिंदगी में एक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सका कि इस्लाम फ्रॉम द डिसऑर्डर यूनिवर्स. मैं बाद में कॉमेंट्स करूँगा. इस सारी चीज़ में वो एक चीज़ को आंसर नहीं कर सका कि, और सिर्फ इस बुक में नहीं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में नहीं, बाकी बुक्स में नहीं, वो जिस चीज़ को आंसर नहीं कर सका वो ये था कि वक्त का ओरिजिन क्या है, वक्त से पहले क्या था, राइट? सो टाइम हमें पता चल गया टी इक्वल्स टू जीरो पे बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग के बाद वो सब कुछ एक्सपेंड हुआ, लेकिन उस वक्त से पहले क्या था? और वो कह रहे हैं अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम अल्लाह के दिमाग को समझ जाएंगे कि वो सोचता है किस तरह है. और इस चीज़ पे उसने इस बुक को एंड कर लिया और सब कुछ उसने एंड कर लिया. तो इसकी बुक्स पढ़ने के बाद ना ये क्वेश्चन मेरे जहन में रहा कि वक्त से पहले क्या है, राइट? तो हुआ ये कि अभी रमज़ान में, मेरा रमज़ान बहुत लाइक अच्छा नहीं गुजरा, मैंने नहीं इतनी इबादत कुछ भी नहीं की, लेकिन अभी 27th ब्ला 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 मैं इस तरह क्वानशी पढ़ रहा था, तो सूरह बकरा में एक आयत थी, और उसमें एक आयत में एक्सप्लिसिटली अल्लाह मियां ने खुद अपने आप को मेंशन किया कि आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल द हेवंस एंड ऑल द वर्ल्ड्स. मैं वो ओरिजिन हूँ, मेरे बाद हेवंस और वो सब कुछ क्रिएट हुआ है. और इस वर्ड को, उस आयत को अगर आप उर्दू सूरह बकरा की मतलब चैप्टर 2 आयत इसकी 127 या 121 है, पर उस चीज़ को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो एक बहुत मज़े का वर्ड है. वो ऐसा वर्ड है जो हर फिलोसफी की बुक्स में आ सकता है. वो वर्ड है द प्राइमल ओरिजिन, द प्राइमल ओरिजिन. और अभी जो आतिफ असलम का कोक स्टूडियो था 99 नियम्स ऑफ अल्लाह, उसमें भी एक अल्लाह का नाम है अव्वल, द फर्स्ट वन. वो वाहिद है, वो अव्वल है, वो फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ है. टाइम से पहले क्या चीज़ था, किस डायमेंशन में था, वो चीज़ अल्लाह है. अल्लाह वक्त से पहले भी था और वक्त के बाद भी होगा. इसको प्लीज थ्री डायमेंशन में नहीं समझो, अपने दिमाग के एक्स वाई जी में ना समझो. मतलब तुम देखो कि साइंस ने सब कुछ बता लिया कि टी इक्वल्स टू जीरो के आगे क्या है, कितनी उसकी डायरेक्शंस हैं, एक्स वाई जी उसके कितने एरोज हैं, लेकिन वो नहीं बता सका कि वक्त से पहले क्या था. और अल्लाह ताला 1400 साल पहले कह रहे कि वक्त से पहले मैं था, मुझसे वक्त स्टार्ट हुआ है, मैंने वक्त को बनाया है. और अब इस चीज पे मैं नहीं कह सकता कि 1400 ईयर पहले किसी बंदे ने खुद से अपने हाथ से कुरान लिखा है, क्योंकि मैंने जिंदगी में जितने लोग जिनसे मैंने बातें की, आपने जिनसे बातें की होंगी, किसी का इतना विजन नहीं होता कि वो सोचे कि आज से 1500 साल बाद कोई बंदा पूछेगा कि अगर मैंने खुद से कुरान फैब्रिकेटेड है तो कोई बंदा इस वाले क्वेश्चन को पूछेगा ना, राइट? कि आउटडेटेड हो जाएगी मेरी बुक. नहीं, लाइक अल्लाह ने ये खुद मेंशन किया और अपनी कुरान की दूसरी आयत में मेंशन किया कि मैं प्राइमल ओरिजिन हूँ, मुझसे वक्त स्टार्ट हुआ है, मुझसे वक्त का इंसेप्शन हुई है. और यही क्वेश्चन जो कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग स्टीवन हॉकिंग ने पूछा है कि वक्त किसने स्टार्ट किया, वो अल्लाह ताला ने खुद आंसर कर लिया बहुत अर्सा पहले. सो या वो जो चीज़ थी कि मैं अपने फेथ को किस तरह बैलेंस करता हूँ, इस तरह पेंडुलम होता रहता है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एथियज़म या सूडो एथियज़म वाली चीज़ थी, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? कि अल्लाह है नहीं, और मतलब ये सब फेरी टेल है, और ये रिलीजन आउटडेटेड हो गया, ये मेरे जहन में सब कुछ था. और मैं भी कहता है यार सब कुछ साइंस से हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, मैं भी बिलीव करता हूँ ये. लेकिन जब तक से तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि वक्त किसने ईजाद किया है, और अगर तुम जब तक से अल्लाह की इस बात को निगेट नहीं कर सकते कि अल्लाह ने वक्त ईजाद किया, तब तक से मैं अल्लाह की साइड पर आऊँगा, तब तक से मैं एथिज़म को डिनाई कर दूँगा, राइट? तो इस वजह से मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन बिलीवर हूँ. मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तुम लोगों के. नोफिलिज्म कह रहे हैं हेलो फ्रॉम द करंट टाइम, सलाम फ्रॉम द डिसऑर्डर यूनिवर्स. आई गेस नोफिलिज्म, तुमने डार्क सीजन देखे नेटफ्लिक्स, उसमें ये चीज़ें थी. हिफ्सा दिनार, यस आई सॉ द ट्रांसलेशन विद द वर्ड प्राइमल ओरिजिन स्टोरी, मेड मी पॉन्डर अ लॉट. Fatma, do you ever wonder about the origin of God himself? Fatma, origin of God?
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो हमारी इमेजिनेशन है उसमें वो इनकैप्सुलेट नहीं हो सकता, वो किसी की तरह ही इज़ अनलाइक एनीवन एल्स, क्योंकि कुल वसमत में यही है ना कि इज़ नॉट लाइक एनीथिंग दैट यू कैन परसीव। तो जो हम लोग परसीव कर सकते हैं वो थ्री डायमेंशन में कर सकते हैं, या बहुत हुआ तो फोर डायमेंशन में कर सकते हैं। डायमेंशन कहाँ तक है, एम्थ डायमेंशन भी, एलेवन डायमेंशन भी हैं। तो पता नहीं वो क्या होगा, क्या वो एक एंटिटी है, क्या वो एक सोल है, क्या वो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत वाइज है, दैट आई नो। यस आई नो कि वो बहुत वाइज है। ऑलराइट गाइस, कोई और क्वेश्चन बना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इन थ्री इन टू, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा नंबर, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा, आवाज आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक की? ओके ऑसम, चलो फिर कल या परसों हम डिजाइन लाइफ पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।